हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी। तो गोभी के लिए जो जो चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप देख सकते हैं हमने जो तेल है वो गरम करने के लिए रख दिया है। सरसों का तेल है, गरम करने रख दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये अदरक है। ये अदरक हमने पीस के रखा हुआ है, इसको क्रश किया है। ये टमाटर हैं और ये हमारा गोभी है। ये देख सकते हैं आप, ये गोभी है, ये हमने धो के रख दिया है। और हम वेट करेंगे अभी तेल गर्म होने का। तो ये नमक, मिर्ची और जीरा। अभी इसमें एक चीज़ और चाहिए, तीन चीज़ की और ज़रूरत है, वो है दही। तो दही रख लिया है। इंतज़ार करेंगे हम तेल गर्म होने का। जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल तो सिंगल हस्बैंड लाइफ जी रहा हूँ। उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो लोग अकेले रहते हैं और खाना बनाना नहीं जानते। खास वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ। कभी ट्राई करिए, खुद से खाना बनाइए। तो चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं, तेल गर्म हो चुका है तो हम थोड़ा सा जीरा इसमें डाल देते हैं। जीरा हमने इसमें डाल दिया है। जीरा थोड़ा फ्राई होने देना है, ज़्यादा ज़्यादा फ्राई मत होने दीजिएगा, नहीं तो स्मेल आना शुरू हो जाती है। जीरे के साथ में ही हम अदरक भी इसमें मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इनको थोड़ा ब्राउनिश टाइप का होने दीजिए। जैसे ब्राउन हो जाए हल्का सा, और ध्यान रखिए जल ना जाए कहीं। वैसे ही आप इसमें टमाटर डाल सकते हैं। देखिए, ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अब हमें वेट करना है टमाटर का, जब तक टमाटर जो है अच्छी तरह से मैश ना हो जाए। देखिए, ये सब मिक्स करना है। थोड़ा ध्यान रखना है आपको, कहीं पे ये जो है जल ना जाए कुछ भी, क्योंकि जल गया तो फिर स्मेल आ जाती है और टेस्ट नहीं आता है। ये खासकर उन भाइयों और बहनों के लिए वीडियो है जो लोग अकेले रहते हैं और बहुत लिमिटेड कुछ बनाना जानते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि खुद भी खाना बनाता रहूं और अपने दोस्तों, भाइयों बहनों के लिए भी कुछ रेसिपी शेयर करते रहूँ जो आसान भी हों, कम टाइम में रेडी हो जाए। तो थोड़ा हम वेट करते हैं टमाटर फ्राई होने का। आप देख सकते हैं, जैसे कि टमाटर हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें जो है मिर्ची और नमक, हल्दी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालेंगे। नमक का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि नमक अगर ज़्यादा हो जाए, क्योंकि गोभी जो है इसमें नमक ज़्यादा होने का डर होता है। कम तो कम नहीं कर सकते, आपको नमक जो है थोड़ा ध्यान से डालना है। ये हमने मसाला डाल दिया है, अभी इसको थोड़ा मिक्स कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, देख सकते हैं ये मिक्स हो रहा है। अब इसको थोड़ा थोड़ी देर पकने दीजिए मसाले को। अगर आपको लगता है कि ये नीचे जल जल सकता है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए और नीचे ना लगे। देखिए, इसको पकने दीजिए अभी थोड़ी देर, उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। इसको रख देते हैं साइड पे, अभी इसका कोई काम नहीं है।
ये देखिए मसाला जो है अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच जो है दही डालेंगे। टेस्ट करिए, दही से भी टेस्ट अच्छा आता है गोभी में। बस इतना दही हम इसमें डालेंगे। अब इसको पकने देंगे, क्योंकि दही पकने में टाइम लगता है। जब तक ये पकेगा तब तक हम अपने ऑफिस का काम कर लेते हैं और बस मूवी देख लेते हैं। इसको अच्छी तरह से पकने दीजिए, क्योंकि अब जब पकेगा दही अलग हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा। अभी ये पका नहीं है अच्छे से, तो पकने तक का वेट करिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। देखिए तेल अलग हो गया, दही अलग हो गया। अब हम इसमें जो है गोभी डाल देंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें गोभी डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अच्छे से गोभी में मसाला मिक्स हो जाए। देखिए मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच में ढक देंगे। वैसे 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढक दीजिए, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। जब तक दोस्तों हमारा गोभी बनके तैयार होता है, तब तक हम जो है अपना बाकी का दूसरा काम कर लेते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो दोस्तों आइए देखें, अभी जो है ऑलमोस्ट गोभी जो है बनके रेडी हो गया है। देखिए, देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है गोभी। अभी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको देख सकते हैं, ऐसे देखिए ये टूट भी गया। अगर आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं स्वाद के लिए। ये देखिए, आप देख लीजिए गोभी आपका जो है बनके तैयार हो गया है। देख सकते हैं आप, ये देखिए एकदम से बढ़िया फर्स्ट क्लास टेस्टी गोभी। अब टेस्ट तो खैर हम खाने के बाद ही आपको बता पाएंगे, बट आप देख सकते हैं शॉर्ट टाइम में गोभी आपका बनके रेडी हो गया है। तो दोस्तों बने रहिए आशीष कुमार के साथ, और कई सारी डिशेस, कई सारे खाने के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। थैंक यू वेरी मच। देखिए दोस्तों अपना खाना रेडी हो गया है। ये रोटियां भी हैं जो हमने अभी बनाई हैं, आम का अचार है साथ में, पापड़, दही, मिर्ची और पुदीना डाल के। ये चने हैं जो हमने कल बनाए थे, नहीं आज ही बनाए, ये सुबह ही बनाए हमने। और ये रही गोभी,
जो हमने अभी तैयार की है आपके सामने, तो आप देख सकते हैं। अभी हम डिनर करेंगे, तो ये देखिए कल सुबह ब्रेकफास्ट में भी हमें काम आ जाएगी गोभी। ये देखिए दोस्तों हमारा डिनर रेडी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।